हेलो दोस्तों, माय नेम इज चमित चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार इंजीनियर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टिगोर 2020 मॉडल की, जिसमें एक्सटीरियर में काफी चेंजेस टाटा ने किए हैं और इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल्स की, इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की, और देखेंगे सभी वेरिएंट कौन कौन से वेरिएंट टाटा ने इसमें ऑफर किए हैं और क्या उनके प्राइसेस हैं और कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन टाटा ने इस गाड़ी में ऑफर किए हैं, और लास्ट में हम देखेंगे इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट और जानेंगे कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी ज्यादा सेफ है और क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल से। दोस्तों, अगर बात करें इसकी फ्रंट लुक की, तो जो पहली चीज आपको अट्रैक्ट करेगी वो है इसकी फ्रंट ग्रिल। इसके ऊपर आपको क्रोम लुक में ट्राई स्टार एरोज जो है वो दिखेंगे थ्रू आउट आपको पैनल के ऊपर, और पियानो ब्लैक में इस पूरी ग्रिल को यहाँ पर रखा गया है। नीचे की तरफ आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलती है और ऊपर की तरफ आपको पियानो ब्लैक स्ट्रिप मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, जो अगला चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है इस गाड़ी की हेडलाइट में। हेडलाइट को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से फ्रंट ग्रिल काफी वाइड लगती है और जो ये सेडान है वो थोड़ी अपस्केल कार लगती है। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको इस गाड़ी में ऑफर की गई है, वहीं पर आपको हाई बीम और इंडिकेटर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बम्पर के नीचे की तरफ आपको राउंड शेप में इसकी इस गाड़ी की फोग लैंप दिखाई देंगी और वहां पर क्रोम एक्सेंट्स का चारों तरफ यूज किया गया है। और जो नया एडिशन इस वेरिएंट में किया है वो है इस गाड़ी की डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि एलईडी की फॉर्म में यहां पर दी गई है, और ये डीआरएल काफी प्रीमियम फील इस गाड़ी को दे देती हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी रेडिएटर ग्रिल की, तो यहां पर भी थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ क्रोम स्ट्रिप्स आपको दिखेंगी। ओवरऑल अगर कहें तो दोस्तों, फ्रंट से काफी चेंज इस गाड़ी में देखने को मिला है, थोड़ी अपस्केल इसको किया गया है, काफी बेहतरीन फीचर्स इसमें सामने की तरफ ऐड किए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके व्हील डिजाइन को रिटेन किया गया है, वही डायमंड कट डुअल टोन का जो व्हील था 15 इंच का, वही इस गाड़ी में रिटेन किया गया है, जो कि काफी इस गाड़ी के ऊपर सूट करता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। उसके बाद इसके ORVM की बात करें तो इसको पियानो ब्लैक फिनिश में रखा गया है, और यही पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है और वेलकम फंक्शन भी आपको इन्हीं ORVM से मिल जाता है। जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, ये फीचर भी इस गाड़ी में आपको दिया गया है। बॉडी कलर में आपको इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और इनके ऊपर क्रोम का थोड़ा सा अच्छा काम किया गया है। और दोस्तों, रियर प्रोफाइल में बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो सिर्फ टेल लैंप है उसको थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है। LED टेल लैंप के साथ थोड़ा ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है, जो पीछे से इस गाड़ी की लुक्स को थोड़ा इम्प्रूव कर देता है। और दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक क्रोम की स्ट्रिप डाली गई है, और इसी के बीच में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ टाटा की बैजिंग मिलती है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो पहले वाली टिगोर में आपको देखने को मिलती थी। दूसरा मेजर चेंज जो रियर में देखने को मिलेगा, जो स्टॉप लैंप है उसको पीछे की रियर विंडस्क्रीन पर पूरा वाइड रखा गया है, लेफ्ट टू राइट पूरा स्ट्रेच देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ ग्रे कलर में शार्क फिन एंटीना मिलता है, जो कि एक एड ऑन है पहले वाली गाड़ी पर। वहीं एक्सटीरियर के बाद अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड आपको डुअल टोन में मिल जाता है, प्रीमियम लाइट ग्रे और स्लेट इंटीरियर्स का यहाँ पर यूज किया गया है, और साथ ही कलर कोऑर्डिनेटेड AC वेंट्स का यूज किया गया है, जो एक हाईलाइट की तरह ऐड कर देते हैं और अलग से निकल के आते हैं डैशबोर्ड पर। वहीं सेंटर डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 17.78 सेंटीमीटर का हरमन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही इसकी म्यूजिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 8 स्पीकर आपको इस गाड़ी में दिए जाते हैं, जिनमें 4 स्पीकर और 4 ट्वीटर्स होते हैं। वहीं MID के जस्ट राइट की साइड में आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मैकेनिज्म मिल जाता है, जो कि एक एडवांस फीचर है। स्टीयरिंग इस गाड़ी में डी कट स्टीयरिंग यूज किया गया है, जिसको हम फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग भी बोल देते हैं, और पियानो ब्लैक कलर के इंसर्ट्स का इस गाड़ी में यूज किया गया है स्टीयरिंग पर, और लेफ्ट की तरफ आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो गाड़ी की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। स्टीयरिंग के पीछे की तरफ आपको फुल्ली डिजिटल MID क्लस्टर दिखाई देगा, जिस पर आपको गाड़ी की सभी इंफॉर्मेशन वहां पर दिखाई देंगी, और किसी भी मैनुअल पार्ट का यहां पर यूज नहीं किया गया है। तो यहां पर गाड़ी काफी टेकी और मॉडर्न फीचर से लोडेड यहां पर फील होती है। सेंटर कंसोल की अगर बात करें तो यहां पर आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, और AC के सभी कंट्रोल्स आपको सेंट्रल कंसोल में ही मिल जाते हैं, और सेंटर कंसोल में नीचे की तरफ आपको USB केबल के पोर्ट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी आपको यहां पर दिया गया है।
वहीं कंफर्ट की बात करें तो ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है और डुअल टोन में जो सीट का इंटीरियर यहाँ पर दिया गया है, ग्रे और डार्क ग्रे का यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है और ट्राई स्टार के लोगो आपको थ्रू आउट सीट्स पर देखने को मिलेंगे। रियर सीट्स में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और वहीं पर कप होल्डर्स का स्पेस दिया गया है जो पीछे की सीट्स की यूटिलिटी को बढ़ा देता है। और क्योंकि पूरा लाइट इंटीरियर का यूज़ हुआ है तो गाड़ी काफ़ी स्पेशियस लगती है और एयरी फील रहती है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी की इंजन डिटेल्स की बात करें तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में यूज़ हुआ है जो कि 86 पीएस की पावर जनरेट करता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और दो तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, 5-speed मैनुअल और 5-speed ऑटोमेटिक। और 5 कलर ऑप्शन टाटा ने इस गाड़ी में ऑफर किए हैं, प्योर सिल्वर, डीप रेड, पोलसेंट वाइट, एरिजोना ब्लू और डे टोन ग्रे। दोस्तों अगर इसकी सेफ्टी की बात करें तो जो पहले वाली टिगोर थी उसको ग्लोबल एनकैप ने उसका क्रैश टेस्ट किया था, उसकी वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो वहां पर इस गाड़ी को 5 में से 4 स्टार मिले थे सेफ्टी के नाम पर। तो आप ये कह सकते हैं कि सेडान सेगमेंट में सबसे सेफ गाड़ी है ये टाटा टिगोर। और जो सेफ्टी फीचर ये गाड़ी ऑफर करती है वो है डुअल एयरबैग, ABS विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ब्रेक असिस्ट, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड सेंसर्स। दोस्तों टाटा ने इसमें 4 मैनुअल ऑप्शन आपको दिए हैं और 2 ऑटोमेटिक के ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। जो मैनुअल ऑप्शन है वो है XE, XM, XZ, XZ प्लस और जो ऑटोमेटिक में ऑप्शन दिए गए हैं वो है XMA और XZA प्लस। सभी वेरियंट के प्राइस डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। वहीं इसके बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर 419 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिल जाता है और टाटा ने इस गाड़ी में 4-bar मैकेनिज्म का यूज किया है जिसकी वजह से जो गाड़ी के हाइड्रोलिक्स हैं बूट स्पेस के वो बूट स्पेस के बीच में नहीं आते और बाहर ही रह जाते हैं, तो आप पूरी तरह से बूट स्पेस को यूज कर पाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दें और हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये चेंजेस टाटा टिगोर में कैसे लगे और क्या क्या चेंजेस टाटा टिगोर को और ज्यादा करने चाहिए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।